गाइस कार लेते टाइम परफॉर्मेंस तो इम्पोर्टेंट होता ही है, एक और चीज जो इम्पोर्टेंट होती है वो है माइलेज। तो आज हम करने वाले हैं किया सोनेट 1 लीटर TGDI DCT का माइलेज टेस्ट और हम आपको बताएंगे कि इसका सिटी में एंड हाईवे पे क्या माइलेज निकल के आता है। इसके रिजल्ट्स बहुत ही ज्यादा शॉकिंग आए हैं, एस्पेशली जो हाईवे का रिजल्ट है मैंने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था ऐसा माइलेज भी निकल के आ सकता है। तो गाइस पूरा वीडियो देखना ताकि आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल सके। तो सिटी में लगभग 50 किलोमीटर एंड हाईवे पे लगभग 100 किलोमीटर मिनिमम हम चलने वाले हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं सिटी ड्राइव पॉइंट सिटी माइलेज को टेस्ट करते हैं, उसके बाद हम हाईवे माइलेज को भी टेस्ट करेंगे। सबसे पहली चीज जो हम करते हैं कि टैंक को फुल कर देते हैं ब्रिम तक ताकि हमें एक आइडिया मिल सके माइलेज का। सो गाइस हमने अभी कर ली है टंकी फुल एंड लगभग 50 किलोमीटर हम इसको सिटी में चलाएंगे एंड देखेंगे कि कितना माइलेज आता है। वापस यही पेट्रोल पंप पे आएंगे हम। तो पहले इसको रीसेट कर देते हैं। यस इट हैज रीसेट एंड किलोमीटर की रीडिंग आप देख सकते हो। तो अभी हम चलते हैं। अभी हमने स्टार्ट ही किया है और यहाँ पे जो MID है उसमें हमें दिखा रहा है 9.3 किलोमीटर पर लीटर। तो फॉर अ स्टार्ट इट इज़ वेरी गुड। अब देखते हैं कि ये कैसा कैरी फॉरवर्ड होता है सिटी में। एंड 1.2 किलोमीटर हमने गाड़ी चला ली है और 49 किलोमीटर बाकी है। अगर हम इसके DCT की बात करें तो 2000 RPM पे शिफ्ट कर देता है, तो ये एक अच्छी चीज़ है आपके माइलेज के लिए। यहाँ पे अभी जो माइलेज हमें दिख रहा है वो है 10 किलोमीटर पर लीटर जो कि इसने मेंटेन किया है, विच इज़ गुड आई थिंक इन द सिटी। तो हम मिक्स्ड कंडीशंस में चल रहे हैं, जैसे कि सिटी रोड्स अच्छे भी है बुरे भी है, यहाँ पे थोड़ा सा कच्चा रास्ता है। तो मिक्स्ड कंडीशंस में कैसा माइलेज निकल के आता है काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। ये जो इसका UI है ना वो मुझे काफ़ी पसंद आया, काफ़ी सिंपल है, काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन ये दिखा देता है। यहाँ पे आपको फुल अगर आप पेट्रोल भरोगे तो कितना रेंज दिखाता है, तो लगभग 686 किलोमीटर की रेंज हमें दिख रही है एंड हमने लगभग 5 किलोमीटर इसमें से चला लिया, मतलब लगभग 690 की रेंज आपको ये दिखाता है जो कि काफ़ी अच्छी रेंज है। तो गाइज हमने अभी चला ली है लगभग 15 किलोमीटर और यहाँ पे जो माइलेज सामने आ रही है वो है 12.3 किलोमीटर पर लीटर जो कि बहुत इम्प्रेसिव है इस इंजन के लिए। सो गाइज अभी हमने चला ली है 45.5 किलोमीटर एंड लास्ट पैच है अभी 5 किलोमीटर का एंड जो माइलेज यहाँ पे दिखा रहा है वो है 11.9 किलोमीटर पर लीटर विच इज़ क्वाइट इम्प्रेसिव। बहुत ही अच्छी माइलेज ये दे रही है सिटी में। तो आप बोलोगे ये कौन सी सिटी है, ऐसा हाईवे टाइप ही लग रहा है, लेकिन ये सिटी वाला ही रोड है। यहाँ पे बीच बीच में काफ़ी स्पीड ब्रेकर्स है एंड ट्रैफिक भी आ जाता है, ओवरटेक्स भी किए हमने सिटी में जो रिक्वायर्ड होते हैं। तो ऐसा लाइक एक प्रॉपर टेस्ट हुआ है जो मतलब एग्जैक्ट आपको बताएगा कि कितना माइलेज आप एक्सपेक्ट कर सकते हो इस गाड़ी से सिटी में। तो गाइज अभी हम वापस रिफ्यूल करने वाले हैं, 50.2 किलोमीटर हो चुके हैं, 11.9 का जो माइलेज है वो यहाँ पे शो हो रहा है। तो गाइज अभी वापस हम रिफ्यूल कर रहे हैं ताकि देख सके कितना पेट्रोल यहाँ पे आया है एंड यहाँ पे काफ़ी जल्दी ये ऑटो कट हो गया था, उसके बाद हमने इसको ब्रिम तक वापस भरने की कोशिश की जैसे हमने पहले भरा था एंड उसके बाद यहाँ पे हमने 4 लीटर के आसपास पेट्रोल भरा है सिटी में। तो गाइस MID के हिसाब से 11.9 का माइलेज हमें मिला है। अब इसको कैलकुलेट करते हैं तो हमें 4 लीटर वापस रिफ्यूल किया है, तो 50.2 डिवाइडेड बाय 4 12.55, तो यार मतलब 11.9 से भी ज़्यादा यहाँ पे मिला है हमें माइलेज। तो एग्जैक्ट जो माइलेज इसने हमें दिया है वो है 12.55 किलोमीटर पर लीटर इन सिटी कंडीशन जो कि यार बहुत अच्छा है। तो काफ़ी अच्छा माइलेज इसको सिटी में मिला। अब चेक करते हैं इसको हाईवे पे। गाइस अब हाईवे टेस्ट शुरू करते हैं। सबसे पहले हम वापस से रिफ्यूल कर देते हैं, इसको टॉप अप कर देते हैं एकदम ब्रिम तक। गाइस अभी हमने रिफ्यूल कर दिया है एंड माइलेज टेस्ट यहाँ पे अभी शुरू करने वाले हैं। तो यहाँ पे मैंने रीसेट भी कर दिया है, तो देखते हैं कि कितना माइलेज हमें हाईवे पे देती है। अभी हम लगभग इसको 100 किलोमीटर के आसपास तो भी चलाएंगे मिनिमम। और अभी हम चल रहे एक अच्छे खासे स्पीड पे, लगभग हमने 80 किलोमीटर पर आर की स्पीड मेंटेन की हुई है और यहाँ पे जो RPM हमारा है वो है लगभग 1900 के आसपास। तो काफ़ी अच्छे RPM पे चल रहे हैं। D7 इसने मेंटेन किया हुआ है, 7 स्पीड DCT गेयरबॉक्स है ये, तो 7th गियर टॉप गियर पे चल रही है। तो गाइस थोड़ा बहुत यहाँ पे जो कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है उसकी वजह से यहाँ पे ट्रैफिक है, तो ये टेम्पररी लेन्स बना दिए हैं नीचे से, तो उसकी वजह से तो आगे मोस्ट प्रोबेबली नहीं होना चाहिए ट्रैफिक इतना। हमने लगभग 27 किलोमीटर्स गाड़ी चला दी है एंड यहाँ पे जो माइलेज शो हो रही है वो है 11.7, अभी 11.8 हो गई, तो अभी थोड़ी थोड़ी बढ़ रही है धीरे धीरे।
एंड थोड़ा सा ज़्यादा ट्रैफिक ही था वो एरिया में। अभी यहाँ पे रोड अच्छा हो गया है, यहाँ पे देखने वाली बात होगी कि कितना माइलेज हमें मिलता है। एंड गाइस इसका जो लेन कीपर सिस्टम है ना काफ़ी अच्छी तरीके से काम करता है। अभी देखो ये लेन मेंटेन ही कर रहा है एंड बीच बीच में बोलता रहता है। यहाँ पे भी देखो लेन मेंटेन कर रहा है, ये फिर से ऑफ हो गया एंड यहाँ पे वापस ये ऑन हो गया। तो काफ़ी अच्छी तरीके से काम करता है। जब आप इंडिकेटर दे देते हो तब आप लेन चेंज कर सकते हो, तब ये आपको रोकता नहीं है, कोई भी इंटरफेरेंस नहीं करता। सो गाइस अभी हम लोग ने 37.6 किलोमीटर्स गाड़ी चला दी है एंड रोड्स आप देख सकते हो टाइम लैप्स चालू है। यहाँ पे मुझे माइलेज मिल रहा है 12.3 किलोमीटर्स पर लीटर का। रोड कंडीशंस बहुत एवरेज है, बहुत अच्छा रोड नहीं है। तो अभी 80 की स्पीड पे लगभग 80-100 ही मैं मेंटेन कर रहा हूँ एंड RPM जो मेंटेन हो रहा है वो है लगभग 1800-2000 RPM के बीच में। अभी हम देखेंगे कि 100 के स्पीड पे गाड़ी कितना RPM मेंटेन करती है, तो देखता है 100 पे पहुँचाते हैं। 100 जैसा रोड ही नहीं आ रहा, बोलो। मुंबई नासिक हाईवे की है ना हालत ख़राब हो गई है एंड अभी 100 हो चुकी है, तो 2000 से जस्ट ऊपर ये चलती है, लगभग 2000 एंड 2100 के बीच में चलती है। तो काफ़ी अच्छा RPM ये मेंटेन करती है, तो एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि काफ़ी अच्छा माइलेज हम इसमें निकाल सकते हैं। किया सोनेट को हाईवे पे चलाने का मज़ा ही कुछ और है, क्योंकि जो सस्पेंशंस है वो स्टिफर साइड पे है, तो फिर यहाँ पे हाईवे पे वो काफ़ी अच्छी ग्रिप बना के चलती है एंड बहुत स्टेबल लगती है। एंड हम अभी लगभग 80-100 ही मेंटेन कर रहे हैं। 100 का वैसे रोड भी नहीं है यहाँ पे, बट ओवरऑल जो स्पीड है, जो स्टेबिलिटी है वो काफ़ी अच्छी है। एंड जो ADAS सूट है उसमें तो यार इसमें बहुत ही अच्छे फीचर्स है, मतलब जो सारे फीचर्स इंपॉर्टेंट होते हैं ना, जैसे लेन कीप, लेन असिस्ट एंड एमरजेंसी ब्रेकिंग, वो सारे आपको इसमें मिल जाते हैं। और माइलेज की बात करें तो 12.8 अभी दिखा रहा है, तो देखते हैं अभी कितना बढ़ता है, बढ़ाते बढ़ाते कितने तक पहुंचा सकते हैं हम इसको। भी देख सकते हो कॉर्नरिंग इसकी काफ़ी अच्छी है, फीडबैक भी डिसेंट है एंड चलाने में काफ़ी मज़ा आता है इसको। जो टर्बो है जब भी आप एक्सेलरेट करना चाहो इट नेवर डिसअपॉइंट्स यू। जैसे ही वो लगभग 2000 RPM के रेंज में चली जाती है उसके बाद इट हैज़ अ लॉट ऑफ पावर, लॉट ऑफ टॉर्क एंड हर एक ओवरटेक आप इसमें कर सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली आपको ओवरटेकिंग में। कसारा घाट को अप्रोच कर रहे हैं यहाँ पे, इसके बाद कसारा घाट शुरू हो जाएगा। तो गाइस मैं घाट का इंक्लूड करूँ कि नहीं ये वाले माइलेज टेस्ट में, वो सोच रहा हूँ, क्योंकि घाट पे चले जाएंगे तो माइलेज ड्रॉप हो जाएगा, तो मेरे हिसाब से दैट वोंट बी फेयर, तो यही से लौट जाना चाहिए हमें। एंड जो माइलेज दिखाई दे रहा है वो है 13.3 किलोमीटर्स पर लीटर, तो होप करते हैं और बढ़ेगा। हमने कवर कर लिया है 70 किलोमीटर्स लगभग। ये देख सकते हो ये है ट्रिप, 114 किलोमीटर्स हमने चला लिया है एंड हाँ एंड 13.5 का माइलेज यहाँ पे मिला है। तो देखते हैं अभी कितना यहाँ पे पेट्रोल हम भर पाते हैं, बाहर जाके देखता हूँ। गिराओ ऊपर तक लाओ। गाइज अभी वापस रिफ्यूलिंग की बारी आ चुकी है एंड यहाँ पे बहुत ही जल्दी यहाँ पे ऑटो कट हो गया था, तो अभी वापस से हम इसको ब्रिम तक भरने की कोशिश करते हैं वैसे ही जैसे हमने स्टार्ट में भरा था। एंड जो अभी पेट्रोल हमने इसमें भरा है वो है अराउंड 5.17 लीटर्स, तो इतना पेट्रोल हमने अभी वापस से इसमें भरा है। तो गाइस शॉकिंग रिजल्ट्स बोलूँगा मैं, शॉकिंग मतलब इतना शॉकिंग, लगा ही नहीं था कि ऐसा हो सकता है। पेट्रोल के हिसाब से अगर कैलकुलेट करें तो 5.17 लीटर्स हमने इसमें पेट्रोल डाला वापस, 114.3 डिवाइड बाई 5.17 यहाँ पे आपको मिल रहा है, ये देख सकते हो 22 का माइलेज, 22 मतलब ये क्या है, ये एक टर्बो इंजन है गाइस। इसको हमने हाईवे पे टेस्ट किया है और 80-100 स्पीड हमने रखी है और हमने थोड़ा सा ट्राई किया है टर्बो के नीचे रहे, लेकिन ऐसा हमेशा ट्राई नहीं किया है, जब भी लाइक ओवरटेकिंग वगैरह का मौका मिला है हमने किया है। और उसके बावजूद 22 का माइलेज, मतलब बहुत ही अच्छा माइलेज है, ऐसा मैंने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था। मैंने एक्सपेक्ट किया था यार 14 होगा मेरे हिसाब से, इससे थोड़ा सा ज़्यादा या फिर 15 मैक्स, बट है ना जैसे ही उन्होंने पेट्रोल भरना स्टार्ट किया ना उन्होंने बोल दिया भाई फुल ही है यार ये, क्योंकि मतलब 2 सेकंड में ही कट आउट हो गया था फ्यूल। तो यार ये एक चीज़ है, इसका जो माइलेज है ना बहुत अच्छा है और ये बिल्कुल अभी रिकमेंडेड है, मतलब इंजन इतना अच्छा है, इतना अच्छा चलता है, इतने सारे फीचर्स है, प्लस इतना अच्छा माइलेज देता है। सिटी में हमने देखा
12.5 का माइलेज इसने निकाल दिया था, हाईवे पे तो 22 का माइलेज दे रहा है, तो मिनिमम भी पकड़े आप तो 20 तो दे ही देगा कोई भी सिनेरियो में। तो ये कुछ था हाईवे टेस्ट का रिजल्ट, और डेफिनेटली इट इज़ रिकमेंडेड, बहुत अच्छा माइलेज देती है एंड बहुत अच्छी चलती है। एंड अगर आपको एक प्रॉपर हिल ड्राइव का रिव्यू देखना है तो वो भी मैंने चैनल पे बना के रखा है, वो भी आप देख सकते हो, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा आपको या फिर टॉप राइट कॉर्नर में भी आ रहा होगा। सो गाइस, इफ यू लाइक दिस वीडियो देन डू इट द लाइक बटन एंड डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।